हाय गाइस, तो आज हम कवर करेंगे कि लास्ट एक साल में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई है या जितने भी नए लोगों को हायर किया गया है उनके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे बताना है कि भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को न्यू इंजीनियर इन चीफ के रूप में हायर किया गया है और बेसिकली उनको अपॉइंट किया गया है। अगर यहाँ पे बात करें कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किया था राजीव चौधरी को, जिनको करंटली BRO में अपॉइंट कर लिया गया है। BRO क्या है आपका? सीमा सड़क है, आपको पता है सीमा सड़क संगठन है, उसके लिए राजीव चौधरी को अपॉइंट कर लिया गया है। तो अब उनकी जगह जो है इंजीनियर इन चीफ बन गए हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के रूप में किसे चुना गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रेग बारकले को अपॉइंट किया गया है एज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू चेयरमैन के तौर पर। यहाँ पे अगर बात करें ग्रेग बारकले की, तो ये न्यूजीलैंड से है। दूसरी चीज, यहाँ पे ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड में 2012 से डायरेक्टर है। न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड में बेसिकली ये उसके डायरेक्टर रहे हैं, 2012 से ही एक्टिव हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है इमरान ख्वाजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक संघ की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेखा बडौर को चुना गया है या अपॉइंट किया गया है एज अ फर्स्ट अरब वुमेन। ये बिलोंग करती है UAE से, फर्स्ट वेमेन है अगर मैं एक अरब महिला की बात करूं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं इस पद के लिए, इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन के अगर तौर पे बात करूं, तो ये सेकंड वेमेन है जिनको हायर किया गया है या अपॉइंट किया गया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है अरब के तौर पर, तो UAE की पहली ये फीमेल है जिनको अपॉइंट किया गया है। लेकिन वैसे ओवरऑल वुमेन्स की बात करें, तो सेकेंड इनको आज तक में हायर किया गया है। फर्स्ट पोजिशन पे हायर किया गया था एना मारिया को, अर्जेंटीना की है वो। इनको फर्स्ट, एक्चुअली में अगर फर्स्ट की बात करें, तो अना मारिया जो है, ये एना मारिया जो है, इनको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर अरब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शेखा बडौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी को फर्स्ट लेडी जिल बाइडन की नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माला अडिगा को इन्होंने अपॉइंट किया है। किसके लिए? फर्स्ट लेडी की पॉलिसी डायरेक्टर के तौर पर। तो ये आपको याद रखना है, माला अडिगा को इन्होंने अपॉइंट किया है। हमारी फर्स्ट लेडी कौन है यूएस की? वो है जिल बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जहां पे भी बात आ जाती है कि वो फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुए हैं या उस पर्टिकुलर हब की या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पहली अपॉइंटमेंट की गई है, वैसे ऐसे वाले क्वेश्चन एनीवेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रिस गोपाल कृष्णन को अपॉइंट किया गया है। कहाँ पर? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब में। नाम से ही पता चल रहा है कि रिजर्व बैंक में एक ऐसा हब बनाया गया है जहाँ पे वो ये देखेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके किस तरीके से इनोवेशन लाया जा सके। तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब में यही कंसिडर किया जाता है। अगर मैं बात करूँ क्रिस गोपाल कृष्णन की, तो ये इन्फोसिस के फॉर्मर चेयरमैन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्फोसिस के फॉर्मर चेयरमैन थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस अभिनेता को पंजाब के राज्य आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आई थिंक ऑप्शंस के हिसाब से बहुत इजीली पता चल रहा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद को अपॉइंट किया गया है एज पंजाब के स्टेट आइकन के तौर पर। रीजन बहुत ही क्लियर है, क्योंकि इन्होंने COVID-19 पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे माइग्रेंट्स को मदद की है, ताकि वो अपने जो है नेटिव स्टेट्स में जा सकें या उनको पहुंचाने में उन्होंने पूरी मदद की है, इसलिए इनको एज अ स्टेट आइकन यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आलिया जफर को किस देश के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में ये पहली फीमेल डायरेक्टर बनी है इस तरीके से एवर। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नाम इंपॉर्टेंट है। आलिया जफर पहली महिला निदेशक बनी है पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिलीप रथ को चुना गया है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो दिलीप रथ की बात करें, तो बेसिकली NDDB में इस टाइम चेयरमैन के तौर पर नियुक्त थे। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे NDDB में नियुक्त थे। NDDB की बात करें, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके करंट चेयरमैन थे दिलीप रथ।
जिनको अब अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर संसदीय संघ आईपीयू के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दुआर्ते पैचेको को इन्होंने अपॉइंट किया है एज योर अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में। अब यहाँ पे बात करें दुआर्ते पैचेको की, पहली बार तो ये पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, और अगर इनकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो 2020 से 2023 तक के लिए बेसिकली इनका टाइम ड्यूरेशन है जिसके लिए इनको अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू न्यू प्रेजिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसिंडा अर्डन के नेतृत्व वाली न्यूजीलैंड सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट, प्रियंका राधाकृष्णन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। देखो प्रियंका राधाकृष्णन बहुत ही एक्टिव है लेबर पार्टी से, लास्ट 14 सालों से लेबर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, और वहां पर भी लेबर पार्टी को ही रिप्रेजेंट करके इनको चुना गया है मेंबर, कहाँ पे, न्यूजीलैंड सरकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड सेलिंग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्वान हाई ली को चुना गया है न्यू प्रेसिडेंट वर्ल्ड सेलिंग का। अगर यहाँ पे बात करें ये जीते किसको डिफीट करके हैं, इनको सक्सीड इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो यहाँ पे इन्होंने किम एंडरसन को हरा कर जो है ये पद जीता है, किस चीज का है, अध्यक्ष का पद है वर्ल्ड सेलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए मुख्य कार्यकारी कार्यालय के लिए कार्यकाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ये बताना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आलोक सिंह को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस। देखो आलोक सिंह को अपने इस फील्ड में एयर इंडिया में एयरलाइंस में इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस वजह से इनको इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इन्हें अप्रोक्सीमेटली 25 साल का एक्सपीरियंस है अपने इस फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीवीजी मेनन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। देखो ये भी अपनी फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट है, बेसिकली ये जो इनकी एक्सपर्टीज की बात करते हैं तो इनको ESDM सेक्टर में एक्सपर्टीज है। ESDM की बात करो तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो ये बेसिकली इनकी स्पेशलाइजेशन है, इस वजह से इनकी एक्सपर्टीज इसमें इतनी ज्यादा है, इसलिए इनको अपॉइंट किया गया है सीईओ किसका, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलायंस एयर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो एक भारतीय एयरलाइन की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई है? अब देखो क्वेश्चन इटसेल्फ में ही उसने बहुत सारे पॉइंट पूछ लिए आपसे, पहली महिला है एलायंस एयर की सीईओ बनने वाली, पहली महिला है, तो बहुत सारे उसने पॉइंट्स बोले हैं, तो उसको याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हरप्रीत सिंह को जो है पॉइंट किया गया है। अगर मैं करंट बात करूं तो करंटली ये एयर इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जिस पद पे बेसिकली अभी करंटली काम कर रही है, और इनको अपॉइंट किया गया है अलायंस एयर के नए सीईओ के रूप में। और अगर ओवरऑल बात करें तो इंडियन एयरलाइंस में ये पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने इस तरीके से इसको हेड करेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यशवर्धन कुमार सिन्हा को CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो इस पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 155 एप्लीकेशन इस पोस्ट के लिए आई थी, और इसमें जीता किसने है, यशवर्धन कुमार सिन्हा ने इस पोस्ट को जीता है। और अगर मैं प्रीवियस चीफ की बात करूँ या प्रीवियस CIC की बात करूँ तो वो थे बिमल जुल्का, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, आपके पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उसने, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आपको ये बताना है। अब इसका आंसर यहाँ पे देखो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिमल जुल्का। बेसिकली बिमल जुल्का कौन थे, CIC आपके फॉर्मर CIC थे, जिनकी जगह यशवर्धन कुमार सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। वहां से अपना पद छोड़ने के बाद बिमल जुल्का ने फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार को कंटिन्यू किया है, तो दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे बुक पर घोषणा के लिए पीपल्स अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फारूक अब्दुल्ला। यहाँ पे देखो अगर बात करें गुप्कर डिक्लेरेशन की, तो बेसिकली जम्मू कश्मीर में एक अलायंस है
जम्मू कश्मीर की 7 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस बनाया है जिसको नाम दिया गया है अलायंस फॉर भुक्कड़ डेक्लरेशन। अगर इसकी प्रेसिडेंट की बात करें तो इसकी क्योंकि क्वेश्चन में हमसे प्रेसिडेंट पूछा गया है, पूछा है, अध्यक्ष पूछा है, तो उसका करेक्ट आंसर इज फारूक अब्दुल्ला। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि इनके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट का करेक्ट आंसर विल बी यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जो रहेगा, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, महबूबा मुफ्ती जो है भुक्कड़ डेक्लरेशन की वाइस प्रेसिडेंट है और फारूक अब्दुल्ला जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और भुक्कड़ डेक्लरेशन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर, 7 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, बेसिकली ILO जो है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताना है इसके गवर्निंग बॉडी के चेयरपर्सन कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपूर्व चंद्र जो है ILO के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। अभी इटसेल्फ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि अब इंडिया के इतिहास में 35 ईयर्स के बाद जो है इंडिया की तरफ से एक ILO का कोई चेयरपर्सन बनाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर पूर्व चंद्र की बात करूं तो अगर करंटली अगर इसकी इनकी बात करें तो ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सेक्रेटरी हैं। तो जब हम बात करते हैं ना कि लेबर एंड जितने भी लेबर लॉज या कोई भी अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर नया कुछ भी लाया जाता है तो ऑफकोर्स इनका उसमें योगदान जरूर होता है। तो आपको दोनों एंगल से इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोहन जेटली। अब देखो, रोहन जेटली आपको सरनेम से थोड़ा आइडिया तो लग ही गया है, ये सन है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा चीज, रोहन जेटली को सर्वसम्मति से बेसिकली यूनानिमसली इनको अपॉइंट किया गया है, इनके सामने कोई भी इनकी विपक्ष पार्टी में नहीं था, इन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मति से इनको बनाया गया है, नया अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाया गया है दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज किरण राय जी को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अगर इनकी करंट सिचुएशन की बात करें, करंट पोजीशन की बात करें, तो ये यूनियन बैंक के MD और CEO हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, यूनियन बैंक के MD एंड CEO हैं। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट के तौर पे भारतीय बैंक संघ के IBA के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, या बेसिकली यूनेस्को के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विशाल वी शर्मा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ओके, इसके अलावा अगर मैं यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करूँ तो सिंपल सी है, देखो यूनेस्को में आता है UNESCO, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। विशाल वी शर्मा को अपॉइंट किया गया है इंडिया के नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे कौन सा रहेगा, सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, M राजेश्वर राव को जो यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये आपको याद रखना है, अगर इनके फॉर्मर उसकी बात करिए, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर जिनको इन्होंने रिप्लेस किया है, जिनकी जगह पे आए हैं, वो थे आपके NR विश्वनाथन, जिन्होंने अराउंड मार्च में जो है अपनी पोस्ट को छोड़ दिया था ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, उनकी जगह पे M राजेश्वर राव को न्यू डिप्टी गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, MA गणपति को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अगर इनकी रिप्लेसमेंट की बात करूं तो इन्होंने राकेश अस्थाना को यहाँ पे रिप्लेस किया है, क्योंकि राकेश अस्थाना ने कहीं और ज्वाइन कर लिया है, DG के तौर पर ज्वाइन कर लिया है BSF में। ठीक है, फुल फॉर्म सबको पता है, सिक्योर आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसमें राकेश अस्थाना जो है आपके न्यू DG बन चुके हैं, तो उनकी जगह को जो है फिल किया है MA गणपति ने एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और नेक्स्ट में आपको बताना है कि शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने किस अरब राष्ट्र के नए अमीर के रूप में शपथ ली है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। तो देखो, अगर मैं शेख नवाफ की बात करूं तो इन्होंने अपने भाई जो हैं उनकी जगह पे एक नए अमीर के तौर पर इन्होंने पद ग्रहण किया है।
इनके ब्रदर अब उनकी डेथ हो चुकी है, 91 ईयर्स के थे। अगर उनके नाम की बात करें तो शेख सभा उनका नाम है। तो इन्होंने अपने हाफ ब्रदर जिनको बोलते हैं सौतेले भाई, अब वो एक्सपायर हो चुके हैं, 91 ईयर्स के थे, एक्सपायर हो चुके हैं। उनकी जगह जो है शेख नवाफ ने अरब राष्ट्र कुवैत के नए अमीर के रूप में शपथ ली है। ठीक है, कुवैत की अगर उसकी बात करें, कैपिटल की बात करें, तो कुवैत सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टीडी वाघेला को जो है यहाँ पे चुना गया है। अगर इनकी बात करें कि इन्होंने किसको सक्सीड किया है या इनके पहले, इनसे पहले पोस्ट पे कौन थे, तो वहां पे अपॉइंटेड थे आरएस शर्मा, जिनका कार्यकाल बेसिकली खत्म हो गया था, इस वजह से जो है अब नया अपॉइंटमेंट करना था, तो ट्राई के नए अध्यक्ष या चेयरमैन बने हैं पीडी वाघेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय को यूएनईपी द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खुशी चिंदलिया को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। एक देखिए बहुत यंग है एज में, टीनेजर है, 17 ईयर्स की है, इनको अपॉइंट किया गया है। और देखो यूएनईपी के लिए अपॉइंट किया गया है, यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो अगर जहां पे बात आ जाती है एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो इट मींस ये डेफिनेटली अपने एनवायरमेंट या पर्यावरण के लिए बहुत एक्टिव है, इस वजह से जो है इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। किस लिए? रीजनल एम्बेसडर इनको जो है यूएनईपी ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, उसने आपसे पूछा है कि किस भारतीय को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगेली, तो इनको अपॉइंट किया गया है। और देखो इन्होंने एक ही चीज बोली थी इसमें कि ये इस जिनको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि ये एक मेंबर की तरह काम करेंगे टास्क फोर्स में, तो इन्होंने कहा कि इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे कि जितने भी रूरल एरियाज में जितने भी फुटबॉलर्स हैं उनको ये कोशिश करेंगे कि उनको बाहर लाया जा सके, उनको फ्रंट फुट पे लाया जा सके, ताकि वो अच्छा अपना जो प्रदर्शन है वो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार नियुक्त किया है? तो बेसिकली यहाँ पे देखो आपको बताना है कि एडवाइजर कौन रहेगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को IMF के, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सीमांचला डैश को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज एन एडवाइजर, तो उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है राउंड फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स के लिए, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एस अपर्णा को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में। अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की बात करूँ तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आता है, ठीक है, ये आता है आपका केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के मिनिस्ट्री के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य 2020 के युवा प्रणेताओं की सूची में शामिल किया है? तो हमने ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन एक पहले देखा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उदित सिंगल को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब ये आपको कैसे याद रखना है, बेसिकली ये फाउंडर है ग्लास टू सैंड के, हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि इनकी बेसिकली ये इन्होंने एक शुरू किया है मुहिम जिसको बोलते हैं ग्लास टू सैंड, जिसमें जितने भी एरिया में कांच की बोतलें होंगी उसको गैदर करते हैं और उनको बिल्कुल सैंड फॉर्म में, बिल्कुल मिट्टी फॉर्म में उसको कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इस वजह से जो है इनको SDG के लिए एक क्लास ऑफ यंग लीडर्स में अपॉइंट किया गया है, बहुत ही यंग एज के हैं, आई थिंक 18 ईयर्स के राउंड है, टीनेजर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय खाद्य सुरक्षा बेसिकली फूड सेफ्टी की बात यहाँ पे की है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अरुण सिंघल को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया है। अगर मैं बात करूँ इन्होंने रिप्लेस किया किसको किया है, इन्होंने पवन अग्रवाल को रिप्लेस किया है, और करंटली अगर बात करें तो करंटली ये स्पेशल सेक्रेटरी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्पेशल सेक्रेटरी है ये किसके, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में अतिरिक्त सचिव मतलब एडिशनल सेक्रेटरी में के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एस गोपाल कृष्णन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, करंटली ये काम कर रहे हैं एज एडिशनल सचिव या जिसको बोलते हैं अतिरिक्त सचिव के तौर पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT में बेसिकली यहाँ पे इस टाइम करंटली ये काम कर रहे हैं,
लेकिन अब इनको यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर पीएमओ में। नाम है इनका एस गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रजेंद्र नवनीत को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है जीएस दीपक को। तो इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है जीएस दीपक को, नाम है इनका ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार को जो है चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB का। इनका कार्यकाल रहेगा अप्रोक्सीमेटली 3 साल का और इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पे कपिल देव त्रिपाठी को। तो ये आपको याद रखना है, कपिल देव त्रिपाठी को जो है इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तरुण बजाज को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अगर मैं बात करूँ इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अतनु चक्रवर्ती को जो है इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है कि यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो किसको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, DPS नेगी को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है ऑप्शन नंबर सी, BS नंदा को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगर यहाँ बात करें लेबर ब्यूरो की, तो इनका मेन काम क्या होता है, ये बेसिकली डेटा कलेक्ट करते हैं आपके जितने भी वर्कर्स होते हैं, या एनालिसिस करते हैं जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जितने भी लेबर काम कर रहे होते हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेरेन टैंग को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति जो है अप्रोक्सीमेटली 6 साल के कार्यकाल के लिए की गई है। ये बेसिकली इनका जो टेन्योर रहेगा वो 6 साल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे CBSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मनोज अहूजा को जो है CBSE के न्यू चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है। CBSE वी ऑल नो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके लिए जो है इनको चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, वी विद्यावती को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अगर मैं बात करूँ इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने उषा शर्मा को जो है यहाँ पे रिप्लेस किया है और उनकी जगह बनी है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोविंद राजूलू चिंतला को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। चिंताला जो भी प्रोनाउंसिएशन रखना चाहते हैं, इनको अपॉइंट किया गया है। किसका, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के न्यू चेयरमैन के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत माधव वैद्य को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इंडियन ऑयल के न्यू चेयरमैन के तौर पर। अगर मैं बात करूँ इन्होंने रिप्लेस किया है ऑप्शन नंबर डी, संजीव सिंह को इस पद से, बेसिकली इन्होंने इसको सक्सीड किया है या इनके सक्सेसर हैं ये, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किस भारतीय मूल की महिला को यूनाइटेड किंगडम में वेस्ट यॉर्कशायर काउंटी के डिप्टी लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, नीमा पुवाया स्मिथ को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। पूरा देखो लंबा सारा उसमें नाम है, तो उसमें पूरे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यूनाइटेड किंगडम में है, नाम क्या है, वेस्ट यॉर्कशायर काउंटी, तो पूरे पॉइंट्स जो आपको इसी तरीके से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नास्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूबी प्रवीण राव को जो है नेस्कॉम के न्यू चेयरमैन के तौर पर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। प्रवीण राव की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्फोसिस के COO रह चुके हैं एंड इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपके केशव मुर्गेश को जो है इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है। और उसके अलावा जो यहाँ पे देखो इन्होंने पॉइंट बताया है चेयरमैन कौन बनेंगे, वो हमने देख लिया है यूबी प्रवीण राव।
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि नेस्कॉम में वाइस चेयरपर्सन के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेखा मेनन। तो दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि यहाँ पे नेस्कॉम के अध्यक्ष चेयरमैन बने हैं यूबी प्रवीण राव, और अगर आपसे पूछ ले कि वो वाइस चेयरमैन कौन बने हैं, तब आपको आंसर देना है यहाँ पे रेखा मेनन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इफको टोक्यो सामान्य बीमा कंपनी की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बन गई हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनामिका रॉय राष्ट्रवर जो है, इनको अपॉइंट किया गया है इफको टोक्यो के सामान्य बीमा कंपनी की पहली एमडी और सीईओ के रूप में। अब यहाँ पे देखो, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाता है कि ये पहली है, ठीक है, और महिला है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीजें आपको सारी यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूँ इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पे वरेंद्र सिन्हा को। नाम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, वरेंद्र सिन्हा को इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है। विमेन है, ऊपर से पहली बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने साइमन टैट को अपने एशिया प्रशांत एपैक संचालन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अडोब। तो यहाँ पे उसने ऑलरेडी बता दिया है, आपसे घूम फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अडोब सॉफ्टवेयर ने किसको अपॉइंट किया है, तो नाम होगा साइमन टैट। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केयर रेटिंग्स के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब कौन सा है? सही जवाब इज ऑप्शन नंबर सी, अजय महाजन को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि केयर रेटिंग्स, जैसे हमारे पास इसी तरीके से क्रिसल्स नाम से भी होती है, बेसिकली रेटिंग एजेंसीज होती है जो रेट करती है आपके क्रेडिट वर्दीनेस एक कंपनी की कितनी है। तो केयर रेटिंग्स के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अजय महाजन। इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राजेश मोकाशी को इन्होंने रिप्लेस किया है, उनकी जगह बने हैं केयर रेटिंग्स की एमडी और सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमटीएनएल के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टी के पुरवर को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, और यहाँ ये बेसिकली अपॉइंट कब किए गए थे? अप्रैल 2020 में इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, एमटीएनएल के नए प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, एमडी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बेसिकली प्राइम जो आपके प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, आपको बताना है कि उनके सेक्रेटरी के तौर पर किसे नामित किया गया है। अब अगेन जो प्राइम मिनिस्टर, जैसे पीएमओ वाला हमने क्वेश्चन किया था या प्रेसिडेंट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ये इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो लोग होते हैं वो एनीवेज इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में शामिल किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शनम बाबू को जो है यहाँ पे यूएस नेशनल साइंस बोर्ड में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इनका जो टेन्योर रहेगा वो रहेगा 6 साल का, और अगर मैं बात करूँ इस बोर्ड की, तो ये थर्ड इंडो अमेरिकन है जो इस तरीके से यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय अमेरिकी राजनयिक को ओईसीडी में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मनीषा सिंह को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब देखो, मनीषा सिंह की यहाँ पे बात करूँ तो इनको जब नॉमिनेट किसने किया था, इनको नॉमिनेट किया था जो हमारे उस टाइम यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको नॉमिनेट किया था, और अब इनको जो है यहाँ पे अगला राजदूत नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन बने हैं, आपको बताना है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पहले जज कौन बने हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस रजनीश ओसवाल जो है यहाँ पे बने हैं पहले जज जम्मू और कश्मीर के। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जम्मू रजनीश ओसवाल को जो है इनकी जब ये ओथ चल रही थी, इसको एडमिनिस्टर किसने किया है, ये भी आपको नाम याद रखना है। इनको एडमिनिस्टर किया है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने टेकुको निशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग एडीबी भी बोलते हैं, एडीबी। तो यहाँ पे देखो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। नाम आपको पता चल चुका है टेकुको निशी, किस पोस्ट के लिए उनको अपॉइंट किया गया है एज कंट्री डायरेक्टर, किस बैंक ने उनको अपॉइंट किया है, एशियाई विकास बैंक है, जिसको हम लोग एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। इसी एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे जो है पार्ट्स कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजेश खुलर को बनाया गया है। इनका ड्यूरेशन जो है अराउंड 3 साल का रहेगा। करंटली अगर बात करें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है किसके? मनोहर लाल, सीएम जो है हमारे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उनके जो है करंटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं, ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका अभी हमने पढ़ा है, टेगो कोनिशी को उन्होंने कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। वहीं पे आपको बताना है कि कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर किसे चुना गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समीर कुमार खरे को जो है इन्होंने अपॉइंट किया है। इनका ड्यूरेशन रहेगा 3 साल का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परेश रावल को यहाँ पे अपॉइंट किया है। अपॉइंट किसने किया है? उनको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो है यहाँ पे अपॉइंट किया है। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संघ के नए व्यापार प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाल्दिस डोम्ब्रोवस्की को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है यूरोपियन यूनियन के नए ट्रेड चीफ के तौर पे। देखो इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है ऑप्शन नंबर सी, फिल होगन को जो है इन्होंने यहाँ से हटाया है, या बेसिकली उनको सक्सीड किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनिल जैन को जो है यहाँ पे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये बीजेपी के राज्यसभा मेंबर हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को भारत के व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यू हेडन, जो हमारे एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है ट्रेड एनवॉय टू इंडिया के तौर पर, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा इनके साथ देखो अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पे लीजा सिंह है, इनको भी अपॉइंट किया गया है सेम इसी तरीके से ट्रेड एनवॉय टू इंडिया के रूप में। ठीक है, करंटली अगर इस सिचुएशन बात करूं तो यहाँ पे डिप्टी चेयर के तौर पे इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, बेसिकली अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किस भारतीय को महामारी की तैयारियों के लिए WHO के स्वतंत्र पैनल में से एक पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो करंटली जो सिचुएशन पैंडेमिक्स की है, यहाँ पे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, या किसको अपॉइंट किया गया था, किसको रिप्लेस किया गया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि किस इंडियन को अपॉइंट किया है WHO के स्वतंत्र पैनल में, या जिसको इंडिपेंडेंट पैनल बोलते हैं, फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रीति सूदन को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अगर इस आपकी बात करें, पैनल की बात करें, तो इसमें अराउंड 11 पैनलिस्ट को जो है अपॉइंट किया गया है अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को किस देश की सरकार के लिए व्यापार सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन, या जिसको हम लोग बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब देखो यहाँ पे इनको अपॉइंट तो कर दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है यूके के, बोरिस जॉनसन, इन्होंने इस डिसीजन को बहुत ज्यादा बहुत टाइम तक अपोज किया। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टोनी एबॉट की, जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है, ये बहुत ही ज्यादा ओपोनेंट रहे हैं सेम सेक्स मैरिज के। तो इन्होंने बहुत इस तरीके से अपने कमेंट्स किए हैं LGBT के रिगार्डिंग, या सेम सेक्स के रिगार्डिंग इन्होंने बहुत सारे जो ऐसे कमेंट्स किए हैं, विमेन के रिगार्डिंग कमेंट किए हैं। तो जो आपके यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनको वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, इस वजह से वो इस डिसीजन को अपोज कर रहे थे। बट एट द एंड वही है हमारे फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टोनी अबॉट ही हैं हमारे ट्रेड एडवाइजर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पुनर्गठित भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट एवर CEO ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड इंडियन रेलवे बोर्ड कौन बन गए हैं? यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार यादव, या वी के यादव भी होगा तो भी वही है, उनका नाम थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देते हैं एज वी के यादव। तो आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि फर्स्ट चीज है कोई भी। ठीक है, कोई भी फर्स्ट MD होगा, कोई भी फर्स्ट CEO होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक DG कौन बनी है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट कोई पूछा है और दूसरी चीज वो महिला है, इसीलिए एनीवेज यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उषा पाड़े। तो हर एंगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम भी याद रखना है, पहली बनी है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे
किसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत खत्री को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अब यहाँ पे बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो पहले तो ये हमारी मिनी रत्न, जो आपको पता है हमारे रत्न जो होते हैं उसमें मिनी रत्न में कैटेगरी में फॉल करती है, तो ये मिनी रत्न पीएसयू है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा हेमंत खत्री जो है यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है एज अ सीएमडी, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पे वो भी याद रखना है, रियर एडमिरल एलवी शरद बाबू को जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विन भाटिया जो है आपके एमडी बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अगर मैं यहाँ पे करेंटली बात करूं तो ये किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ये एसबीआई में म्यूचुअल फंड्स के एमडी और सीईओ के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। करेंटली काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही कर रहे हैं लेकिन म्यूचुअल फंड्स में काम कर रहे हैं, वहां पे एमडी और सीईओ है, लेकिन अब इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओवरऑल का ही एमडी बनाया गया है और इनकी ड्यूरेशन जो है 2022 मई तक आई थिंक रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अशोक लवासा की जगह नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, या न्यू इलेक्शन कमिश्नर जो है अशोक लवासा को रिप्लेस करके कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार को जो है बनाए गए हैं। अब यहाँ पे देखो आपको याद रखना है, पहली बात तो ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। दूसरी चीज, उन्होंने आपको नाम ऑलरेडी बता दिया कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, इन्होंने रिप्लेस किया है अशोक लवासा को, बने कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेबी के कौन बने हैं? यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जीपी गर्ग। अब यहाँ पे सेबी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपकी सारी सिक्योरिटीज या आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं या आपके जितने भी शेयर्स या बॉन्ड्स होते हैं, इनको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं ये बताना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यपाल मलिक जो है बने हैं मेघालय के नए राज्यपाल, जिनको हम बोलते हैं गवर्नर। अब यहाँ पे देखो बात करें आपके यहाँ पे सत्यपाल मलिक की अगर बात करें तो ये आपके गोवा के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं। अब देखो अगर इन्होंने गोवा का पद छोड़ा है तो इनकी जगह किसी ना किसी को तो एडिशनल चार्ज दिया ही होगा, तो इनका जो है गोवा का एडिशनल चार्ज दिया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, भगत सिंह कोश्यारी को यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है, महाराष्ट्र के गवर्नर है लेकिन साथ में वो गोवा का एडिशनल चार्ज उनको दिया गया है और उसकी जगह जो है गोवा से हटकर अब मेघालय के जो नए राज्यपाल बन गए हैं वो है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में या डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने अभी ये चीज क्वेश्चन डिस्कस किया था, हमने किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि उन्होंने रिप्लेस किया है, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है, बीएसएफ ने के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश अस्थाना जो है वो बने हैं बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक या न्यू डायरेक्टर जनरल। ये आपको ध्यान रखना है, हमने क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में पढ़ा था कि ये पहले डीजी थे आपके ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के, तो हमने वहां से पॉइंट को पढ़ा था, तो हमने वहां पे नाम दूसरा देखा था, यहाँ पे आपको याद रखना है, अब वो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है राकेश अस्थाना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, नाम देख लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के अध्यक्ष या चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, प्रमोद भसीन को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगर इनकी करंट जो या फिर पहले ये क्या पोस्ट पे काम कर रहे थे, पहले ये इसी जो जहाँ पर अब ये चेयरमैन बने हैं इसी बोर्ड में पहले ये वाइस चेयरमैन थे, अब जिनको वहां से हटाकर अभी नहीं कोई जो है यहाँ पे चेयरमैन के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार जोशी को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है या नियुक्त किया गया है एज अध्यक्ष या चेयरमैन ऑफ यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्होंने रिप्लेस किया है ऑप्शन नंबर डी जो है अरविंद सक्सेना, पहले ये थे अब इन्होंने इनको रिप्लेस किया है, बेसिकली इनको सक्सीड किया है प्रदीप कुमार जोशी ने।
ओके नेक्स्ट देखिए, उसने आपसे पूछा है कि भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सीएजी की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको बताना है कि किसको नया नियुक्त किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जी सी मुर्मू। तो जी सी मुर्मू को सीएजी नियुक्त किया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया है। जी सी मुर्मू की बात करूँ तो इन्होंने रिजाइन किया है, एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये जम्मू एंड कश्मीर के, तो इस पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है एंड उसके बाद ये बन गए हैं सीएजी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी हमने देखा है कि सीएजी के पद पर जी सी मुर्मू ने वहाँ पे जो है अपना पद ग्रहण किया है, तो वहाँ पे अब आपको पता है कि वहाँ से कोई पोस्ट तो खाली हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट जो है खाली हो गई है, तो उस वेकेंट जगह को भरा किसने है। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा ने जी सी मुर्मू के उस खाली स्थान को फिलअप किया है, उस खाली स्थान को भरा था और उस तरीके से वो बन गए हैं न्यू या नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। ये आपको बताना है, यहाँ पे एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताना है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का कौन बन गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उर्जित पटेल। तो इस पोजीशन पे उनके पास 5 साल का ड्यूरेशन जो है उनको दिया गया है, 5 साल के लिए जो है इस पोस्ट पे वो हायर किए गए हैं या अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव या प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नाम याद रखना है आपको। अगर मैं बात करूँ हार्दिक सतीश चंद्र शाह की, तो ये पहले जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके ये सेक्रेटरी थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। तो ये नाम याद रखना, प्रकाश जावड़ेकर के ये पहले प्राइवेट सेक्रेटरी थे और अब जो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह अब बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम मोदी जो है आपके उनके प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए हैं। अब इम्पॉर्टेंट अगेन किस लिए है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी इमीडिएट ऐसे आपके सेलिब्रिटी या किसी फेमस पर्सन की बात करते हैं तो अगेन ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड सिंस ये क्वेश्चन तो पीएम मोदी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे घरेलू रेटिंग एजेंसी जो आपकी डोमेस्टिक, यहाँ पे उसने पूछा है डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी आयकरा के लिए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एन शिवरामन जो है इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी आयकरा का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है नरेश टक्कर को। अब इनका देखो रिप्लेसमेंट का भी एक बहुत बड़ा रीजन था, नरेश टक्कर को यहाँ पे एक्चुअली कहा गया था कि उनके ऊपर कोई इंक्वायरी बिठाई गई थी, उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए थे, जिस वजह से जो है उनको कहा गया था कि आप थोड़े टाइम के लिए लीव पर चले जाइए जब तक आपकी ये इंक्वायरी चल रही है। तो उस इंक्वायरी के बाद जो है अब यहाँ पे एन शिवरामन जो है उनको यहाँ पे रखा गया है या अपॉइंट किया गया है एज आयकरा के न्यू एमडी और सीईओ के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राजेश भूषण को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने रिप्लेस किया है प्रीति सूदन को। हमने इनका क्वेश्चन अभी यहाँ पे देखा था, प्रीति सूदन को इन्होंने रिप्लेस किया है। प्रीति सूदन का हमने नाम कहाँ पढ़ा है, WHO के पैनलिस्ट की जो हमने यहाँ पे बात की थी वहां पे हमने इनका नाम देखा था प्रीति सूदन का, WHO के पैनल में ये अब नई जो है वहां पे अपॉइंट की गई है। ये पहले कहाँ पे थी, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी और अब कौन है, राजेश भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN के नए सीईओ और निदेशक सीईओ और डायरेक्टर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आलोक मिश्रा को जो यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है ऑप्शन नंबर सी, हर्ष श्रीवास्तव को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे सैप भारतीय महाद्वीप के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुलमीत बावा को जो है न्यू प्रेसिडेंट और एमडी बनाया गया है सैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। सैप आई थिंक हम सबको पता है एक सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग ईआरपी के उस पर यूज करते हैं। तो सैप की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ये क्या है, सिस्टम, ए से है एप्लीकेशन एंड उसके बाद पी है प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। तो ये आपको फुल फॉर्म थोड़ी सी पता होनी चाहिए है। उसके अलावा इन्होंने रिप्लेस किया है ऑप्शन नंबर सी, देवदीप सेन गुप्ता को। तो पहले उस पद पे वो इन्वॉल्व थे लेकिन अब जो है कुलमीत बावा ने उनको रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस भारतीय को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड? आई थिंक हम सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक लवासा। हमने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था समीर कुमार खरे का, समीर कुमार खरे से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन इनको बनाया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और किसी का बनाया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी का ही। तो इसी से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट उसने आपसे पूछा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमांग अमी। अगर मैं यहाँ पे करंट पोजीशन की बात करूँ तो करंटली ये वर्क कर रहे थे एज सीओओ ऑफ आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग के सीओओ के तौर पर एक अपॉइंटेड थे, लेकिन अब जो है ये बीसीसीआई के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट उसने पूछा है आपसे यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यूके आईबीसी के पहले भारतीय सीईओ का पदभार कौन संभालेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयंत कृष्णा, जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले बने हैं और भारतीय हैं, सीईओ बने हैं, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है रिचर्ड हील्ड को। तो नाम इंपॉर्टेंट है, इन्होंने रिप्लेस किया है रिचर्ड हील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहले अध्यक्ष के रूप में कौन किसको चुना गया है, कौन बना है, ये बताना है यहाँ पे। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इन जेती श्रीनिवास को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो पहली बात नाम इंपॉर्टेंट है, इन जेती श्रीनिवास बने हैं, 3 साल का इनका कार्यकाल है। अगर मैं इनके पहले जॉब की बात करूं तो पहले ये काम कर रहे थे एज अ फॉर्मर कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी थे ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। पहले इस पद पे थे, अब इनको बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष, तो पहले है एनीवेज इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने, संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रमणि पांडे जो है बन गए हैं न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन इन जिनेवा। अगर यहाँ पे बात करो, इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राजीव के चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान सेना के लिए पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर एक, पहली बनी है लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, दैट टू पाकिस्तान सेना में बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेजर जनरल निगार जौहर जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो हर एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, पहली है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे बनी है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड थर्डली पाकिस्तान में बनी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेसिकली डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है, ये बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस ढिल्लो को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने देखो रिप्लेस किसको किसे किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है, इन्होंने एल जी ए एस बेदी को इन्होंने रिप्लेस किया है। यहाँ पे एल जी का मतलब क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, तो इन्होंने इनको रिप्लेस किया है ए एस बेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज CMS द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को जलीय प्रजातियों, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक्वेटिक की बात हो रही है, और एनीवेज हमारे इंडियन है तो हमें नाम याद ही रहेगा, एक्वेटिक में बताना है जलीय प्रजातियों के लिए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम्बेसडर बनाने हैं बताने हैं लेकिन एक्वेटिक में, बट एनीवेज हमारे इंडियन तौर पे सिर्फ एक्वेटिक में ही अपॉइंट किए गए हैं एम्बेसडर के तौर पे। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणदीप हुड्डा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, और ये अराउंड 2023 तक के लिए अपॉइंट किए गए हैं। जैसे अब एक्वेटिक में हमें इंडियन का नाम याद रहेगा, रणदीप हुड्डा को हायर किया गया, अपॉइंट किया गया है, इसी सेम तरीके से टेरिस्ट्रियल के लिए भी किए गए हैं, या आपके पास जो है अलग तरीके से भी इस तरीके से दो तीन तरीके से अपॉइंट किए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है यहाँ पे। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, देवाशीष पांडा को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक।
ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो करेंटली ये सेक्रेटरी है किसके, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड यहाँ पे आपको ये भी रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस पोस्ट पे, इस पद पे करंटली काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे विश्व स्वर्ण परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ये बताना है यहाँ पे आपको। क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केल्विन दुशनी सकी को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने रिप्लेस किया है डेविड हार्कवेल को। अगेन नाम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये बने हैं केल्विन दुशनी सकी एंड इन्होंने रिप्लेस किया है डेविड हार्कवेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT, नाम बहुत बड़ा है इसलिए ध्यान से देख लेना, NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्राइब्यूनल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस बंसीलाल भट्ट जो है अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन के तौर पे NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्राइब्यूनल के। अगर यहाँ पे बात करें, इन्होंने रिप्लेस किया है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय को जो है इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है। नाम इतने इंटरेस्टिंग है, आपको एनीवेज यहाँ पे याद ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मतलब चेयरमैन और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये बताना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र सिंह ढिल्लो ने को जो है बेसिकली यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। इनको अराउंड 2023 तक इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है, और अगर इनकी बैकग्राउंड की बात करें तो इनको इसी पावर फील्ड में या पावर सेक्टर में अराउंड 34 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड के संयुक्त राष्ट्र यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीता सबरवाल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीता सबरवाल। इनको भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अराउंड 25 साल का एक्सपीरियंस है इनको डेवलपमेंट में, पीस बिल्डिंग में, इसलिए इनको अपॉइंट किया गया है यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, न्यू चेयरमैन बताने हैं आपको CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम अजीत कुमार को जो यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब इनका रीजन देखो क्या है इनको अपॉइंट करने का, ताकि ये GST के जितने भी रेवेन्यूज है उनको बूस्टअप कर सके, और 2020 के बजट में जितने भी कस्टम ड्यूटीज के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस किए गए हैं उनको प्रॉपरली उन चेंजेस के साथ वो डील कर सके, इसलिए इनको अपॉइंट किया गया है एम अजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन की राजदूत बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है ये बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, करेन पियर्स। इंपॉर्टेंट एनीवेज है क्योंकि फीमेल है, ऊपर से पहली किसी पोस्ट पे अपॉइंट की गई है, इसलिए दोनों लेवल से इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करेन पियर्स। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय ऑलराउंडर को संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जी नारायण को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये कौन है अगर मैं बात करूँ तो, ये इसरो के सीनियर साइंटिस्ट है, सीनियर स्पेस साइंटिस्ट है, इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीतम बंदोपाध्याय। नाम एनीवेज इतना इंटरेस्टिंग है, आपको नाम याद ही रहेगा। ये किसके लिए अपॉइंट किए गए हैं, एज अ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तो इनके पास जो है अराउंड 5 साल का जो है इनका ड्यूरेशन रखा गया है अपना काम पूरा रख करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, जनरल बिपिन रावत जो है यहाँ पे बने हैं। अब देखो इस तरीके से जो CDS बनाया गया है, डिफेंस स्टाफ जो है इसलिए बनाया गया है ताकि ये फंक्शन कर सके एज अ सिंगल पॉइंट एडवाइजर। अगर मिलिट्री से रिलेटेड, मिलिट्री मैटर से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट को एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत है, कोई भी एडवाइस की जरूरत है, तो यहाँ सलाह की जरूरत है, तो ये इस तरीके से जो आपका CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, काम करेगा एज अ सिंगल पॉइंट एडवाइजर, नियुक्त किया गया है जनरल बिपिन रावत को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुरेश चंद्र शर्मा को जो यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ये चीफ है दिल्ली एम्स में, चीफ ऑफ दिल्ली एम्स, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। बेसिकली ये ईएनटी जो है उसमें, उस डिपार्टमेंट में, ईएनटी डिपार्टमेंट में है सुरेश चंद्र शर्मा, अपॉइंट किए गए हैं एज अ फर्स्ट चेयरमैन, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चेयरमैन है ये नेशनल मेडिकल कमीशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नेशनल बुक ट्रस्ट के नए निदेशक के रूप में या न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल युवराज मलिक जो है अपॉइंट किए गए हैं एज ए न्यू डायरेक्टर। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है ऑप्शन नंबर सी, रीता चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है भारतीय बैंक संघ या इंडियन बैंक्स ऑफ एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सुनील मेहता जो है यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज योर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, वीजी कनन को। अगर मैं यहाँ पे सुनील मेहता की बात करूँ तो ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के फॉर्मर एमडी और फॉर्मर सीईओ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे,